सहरसा एयरपोर्ट को रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, जबकि सहरसा एयरपोर्ट को 68 एकड़ जमीन दिया गया है। जब कोई बड़े अधिकारी आएंगे तो यहाँ हेलीकॉप्टर गिरेगा। सिर्फ नेता आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे, रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा क्यों दिया भाई? न्यायालय परिसर में एक 6 मंजिल का बिल्डिंग बना, जिसके कारण यहाँ एयरपोर्ट जो है काम यहाँ पर रुक गया। सर बोलता बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ सरफराज आलम। इस वक्त मैं सहरसा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और एयरपोर्ट का दृश्य हम दिखाने जा रहे हैं। पहले एयरपोर्ट का दृश्य आप देखिए, उसके बाद हम बारीकी से बताएंगे कि आज तक ये सहरसा का ये एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हो सका। कोसी सहरसा सुपौल समेत कोसी के लोगों को परेशानी इसलिए होती है कि यहाँ पर एयरपोर्ट चालू नहीं है और लोगों को दरभंगा या पटना जाना पड़ता है। सारा चीज़ यहाँ पर तैयार है, बनकर तैयार, आप देख रहे होंगे कि सारा चीज़ यहाँ पर बनकर तैयार है। हेलीपैड का यहाँ पर सिंबल भी है जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बड़े नेता और बड़े अधिकारी का आवागमन के लिए यह एयरपोर्ट बनाया गया है और इसका कोई काम नहीं है। करोड़ों की लागत से ये एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट पे प्लेन नहीं उतरता है, सिर्फ बड़े अधिकारी, बड़े नेता का यहाँ पर हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर उतरता है। सुभाष गांधी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे बारीकी से जानेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये सारे चीज़ों को देख रहे हैं। सुभाष जी, क्या पूरा मामला है, क्यों नहीं एयरपोर्ट चालू हो सका? जी, सहरसा एयरपोर्ट को रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। बिहार में बहुत तो जगह को एयरपोर्ट का रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। पूरे बिहार में एयरपोर्ट बनके तैयार है, वहाँ से हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ान भर रहा है। अब दरभंगा, पूर्णिया वगैरह जहाँ भी मिला है सब जगह से उड़ रहा है। सहरसा सिर्फ जस का तस पड़ा हुआ है, जबकि सहरसा एयरपोर्ट को 68 एकड़ जमीन दिया गया है। 68 एकड़ में फैला हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि दिल्ली में भी इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं होगा जितना बड़ा सहरसा में, जितना बड़ा जगह एयरपोर्ट का है दिल्ली में भी नहीं होगा, पटना में नहीं होगा, पूर्णिया में नहीं होगा, दरभंगा में नहीं होगा। लेकिन सहरसा में चूंकि नेता इतना शिथिल हैं, शासन प्रशासन इतना शिथिल हैं, जिसका कारण देख लीजिए कि आज यहाँ एक हेलीकॉप्टर, जब नेताजी आएंगे, जब कोई बड़े अधिकारी आएंगे तो यहाँ हेलीकॉप्टर गिरेगा। इस बीच में हेलीकॉप्टर नहीं गिरेगा। चूंकि ये बड़े बड़े नेताओं के पिताजी का एयरपोर्ट है ना ये, अरे ये जनता के लिए एयरपोर्ट बने। ये सिर्फ नेता आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे, रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा क्यों दिया भाई? हम तो कहते हैं रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा आपने दिया है तो इसका यहाँ से आम लोगों के लिए उड़ान भरे, यहाँ से प्लेन चले। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक नुकसान लग गया है। नितिन गडकरी जी भी आए थे, उन्होंने भी स्वीकार किया, उन्होंने भी कहा था अपने बयान में कि एक सामने देखेंगे न्यायालय है, सहरसा न्यायालय, यहाँ व्यवहार न्यायालय है। अब व्यवहार न्यायालय परिसर में एक 6 मंजिल का बिल्डिंग बन गया। न्यायालय परिसर में एक 6 मंजिल का बिल्डिंग बना, जिसके कारण यहाँ एयरपोर्ट जो है काम यहाँ पर रुक गया। हम तो यही इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं, इनको कहीं कोई मुक्का मार देता है, कोई काला झंडा दिखाता है, कहीं कोई कुछ कर देता है, क्यों कर देता है? ये सिर्फ हवा हवाई है ये। अरे सर, जमीन पर ये कुछ देखते ही नहीं है भाई, कहाँ क्या घोषणा किए हैं, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, आज क्या हो रहा है? देख लीजिए, सामने बकरी चल रहा है, गाय चल रहा है यहाँ, जबकि यहाँ पटेल मैदान है, बच्चे को खेलने के लिए, कूदने के लिए पटेल मैदान होना चाहिए, हवाई अड्डा में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। सहरसा में एम्स के लिए ज़मीन उपलब्ध है, एम्स नहीं बन पाया। एयरपोर्ट के लिए ज़मीन उपलब्ध है, एयरपोर्ट चालू नहीं हो सका। एम्स की बात अब फिर इस बार छेड़ दिए, अब उस पर हम क्या कहेंगे? हम लोग रो रहे हैं पूरे कोसी के लोग। एम्स के लिए 218 एकड़ जमीन जिलाधिकारी के माध्यम से हमने सरकार को यहाँ से भेजा था, खाता खेसरा रखवा के साथ। जमीन सरकार का भी उपलब्ध है करीब 150 एकड़ और आम नागरिक भी जमीन देने के लिए तैयार था। यानी 218 एकड़ जमीन हम सहरसावासी ने सरकार को कलेक्टर के डीएम के माध्यम से भेजने का काम किया था, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण वो दरभंगा चला गया। जबकि दरभंगा में पहले से मेडिकल कॉलेज है, सारा संस्थान है, सहरसा में कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ एम्स जैसे महाअस्पताल का निर्माण सहरसा में होना चाहिए था, जो निर्माण नहीं हो पाया। ये सरकार के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भयंकर रूप से उदासीन हैं, बेकार हैं, नालायक हैं। जो जितना उपलब्धि दे सकी है उसको, उतना उपलब्धि के योग्य हैं, कर्मठ एक भी नहीं है। अब क्या उम्मीद लगती है आपको? अब उम्मीद तो है, आज तक तो सहरसा उम्मीदें पर चला है,
उम्मीद और भरोसा और आश्वासन, तीनों चीज पर तो सहरसा चल रहा है। कोई आएगा आश्वासन दे देगा, कोई आएगा भरोसा दे देगा, कोई आएगा उम्मीद दे देगा। इसके अलावा सहरसा को आज तक कुछ नहीं मिला। ढेर सारे लोग उम्मीद देने के लिए आते हैं, भरोसा पर ही हम लोग जीते हैं। भरोसा अभी भी है कि सहरसा से एयरपोर्ट एक ना एक दिन जरूर उड़ेगा। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, जितना त्याग करना पड़ेगा त्याग करेंगे। चलिए, एक व्यक्ति मिल गए हैं, साइकिल से जा रहे थे, एयरपोर्ट पे ही जो मार्ग है उसी पे मिल गए। क्या लगता है चाचा, क्या एयरपोर्ट नहीं बनने का कारण क्या है? एयरपोर्ट नहीं बनने का कारण यही है कि आलोक बाबू दोषी हैं, मंत्री महोदय दोषी हैं। काहे, कैसे मंत्री महोदय दोषी? इसलिए कि नहीं बनने के लिए देते हैं। अच्छा, नगर परिषद सब क्या कहते हैं, नाला तो बनने के लिए देवे नहीं करता है। चलिए, जो यहाँ पर तस्वीर हमने दिखाया आपको, पहले वो तस्वीर फिर से देख लीजिए आप, किस तरह से शोभा वस्तु बनकर ये एयरपोर्ट बना हुआ है। शोभा वस्तु का यही काम है। और यहाँ पर सिर्फ बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री का आवागमन होता है हेलीकॉप्टर से, और उसी के लिए यह सिर्फ बनाया गया है। ज़मीन उपलब्ध है, फिर भी चालू नहीं हो सका। सारा प्रक्रिया हो चुका है, फिर भी चालू नहीं हो सका। एक बिल्डिंग के कारण जो है, और ये जो एयरपोर्ट का काम है वो पेच फंसा हुआ है और रुका हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोग में नाराज़गी है वो देखी जा रही है। सहरसा के लोगों में जो नाराज़गी है, कोसी के लोगों में जो नाराज़गी है वो देखने को मिल रही है। अगर एयरपोर्ट चालू होता तो कोसी के लोगों को काफ़ी राहत मिलती, दरभंगा जाना नहीं होता, पूर्णिया जाना नहीं होता और पटना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि कोसी में खुद एयरपोर्ट होता है और ख़ुद से यहाँ पर लोग आते हैं और बड़ी आराम से यहाँ से लोग दूसरे राज्य के लिए जा पाते। और कहीं ना कहीं परेशानी है, लोगों में गुस्सा भी है, जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का सिर्फ आश्वासन चुनाव के समय में मिलता है। चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो है सारा आश्वासन खत्म हो जाता है, सारा बयानबाजी खत्म हो जाता है, सारा जो वादा किया जाता है वो सारा जो है वो खत्म हो जाता है।